458 अंक आया है, 455 नंबर आया है, 452 अंक प्राप्त हुए हैं। बहुत कम समय मिला फिर भी हमने बहुत अच्छी रिकवरी की, बहुत अच्छी पढ़ाई हुई हमारी। आगे भी अपनी पढ़ाई यहीं से जारी रखना चाहेंगे। 413 अंक प्राप्त हुए हैं। बहुत खुश हैं, मेरे माता पिता को भी बहुत सम्मान मिल रहा है इन नंबर के कारण। हम खुश हैं कि हमें 401 नंबर आया है। मैंने मेहनत किया और सर ने अच्छे से तैयारी कराई। मुझे इस मैट्रिक परीक्षा में 405 अंक आया है। लगातार यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो सही 400 से अधिक अंक ला रहे हैं। अच्छे अंक न सिर्फ लाए बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करे, इसकी भी भरपूर गारंटी देता हूँ। हमारा लक्ष्य है कि एक समय आएगा कि मेरे संस्थान के बच्चे भी जिला में और राज्य स्तरीय जो टॉप 10 होते हैं उसमें आए, और उसी को लक्ष्य मान करके हम लोग यहाँ प्रयासरत हैं। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं बन सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं बन सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और ये पत्थर उछाला है गांव के इन तमाम बच्चों ने। आप देख सकते हैं अभी मैं सरस्वती कोचिंग सेंटर सुरपुरा बेगूसराय में हूँ, जहाँ पर इन तमाम बच्चों की तस्वीर को आप देख पा रहे हैं। गौरव कुमार जिन्होंने इस वर्ष मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 458 अंक लाए, वहीं सुधांशु ने 455, दीपक 452, अंशिका भारती ने 429, सत्यम ने 420, मेहरुनिशा ने 413, अंजलि 405, कोमल कुमारी 405 और कल्पना 401। इसके अलावे आप देख सकते हैं कि 300 से अधिक स्कोर करने वाले, यानी 300 से अधिक स्कोर करने वाले 40 से अधिक छात्र यहां से रहे हैं। बताते चले आपको, इससे पिछले वर्ष विगत वर्ष भी जो ट्रैक रिकॉर्ड सरस्वती कोचिंग सेंटर का रहा है, लगातार बता दूं आपको कि विगत वर्ष भी यहां का एक छात्र रजनीश, उसने भी 458 अंक लाए थे। उससे पहले भी यहाँ के दो बच्चे 450 अंक ला चुके थे, उससे पहले भी एक बच्चे ने 450 अंक के आसपास अंक लाया था। लगातार पिछले 4-5 वर्षों से अगर हम बात करें कि लगातार यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो 450 से अधिक अंक ला रहे हैं। बता दें आपको, यहाँ क्लास 6 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई राम परवेश सर जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनके निर्देशन में, उनकी टीम के द्वारा, उनके सफल निर्देशन में, उनकी टीम के द्वारा, बेहतर फैकल्टी के द्वारा हो रहा है। और मैं भी इस संस्था का एक अंग हूँ, एक शिक्षक के रूप में इस संस्था से जुड़ा हुआ हूं और इन बच्चों के बीच इन्हें पढ़ाता हूं। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है एक शिक्षक के रूप में, हमारे बच्चों ने इस वर्ष मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाए हैं, इस सुदूर देहात क्षेत्र का नाम किया है, अपने माता पिता का नाम किया है और सरस्वती कोचिंग सेंटर का नाम किया है। आइए हम बात करते हैं गौरव से, जिसने 458 अंक लाए हैं। गौरव, सबसे पहले बधाई तुमको, 458 अंक लाया है तुमने, हम चाहेंगे अपनी तैयारी के बारे में बताएं। तैयारी सर शुरू से ही बहुत अच्छी तरीके से रही, यहाँ के शिक्षक, इस संस्थान के शिक्षक बहुत ही सुदृढ़ तरीके से पढ़ाते हुए आते हैं और सभी का मनोबल बराबर तरीके से बढ़ाते रहते हैं। इसी से पढ़ रहा था यहाँ पर मैं, यहाँ जब से मैं पढ़ना स्टार्ट किया हूँ मैं यहीं से पढ़ता हूँ, क्योंकि ये हमारे पिताजी के संस्थान, ये हमारे पिताजी का ही संस्थान है, इसलिए मैं शुरू से यहाँ से ही पढ़ा हूँ। लगभग मैं 8 से 9 साल तक से ही यहाँ से पढ़ रहा हूँ और मैट्रिक का एग्ज़ाम भी इसी संस्थान से उत्तीर्ण हुआ हूँ और इस वर्ष मुझे मैट्रिक के परीक्षा में 458 अंक आया है। 458 अंक लाना आसान नहीं होता है, कैसे तैयारी किया आपने और किस पेपर में कितने अंक आए आपको? तैयारी जैसे जिस सभी बच्चों को रहती है वैसे ही मेरी भी थी, कुछ अलग तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है, अलग से तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन तरीका वही रहता है जो अलग से सभी बच्चों का रहता है।
और मुझे सबसे ज़्यादा इस मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में अधिकतम अंक मैथमेटिक्स में 94 नंबर आया है। उसके बाद मुझे संस्कृत में 93 नंबर है और सोशल साइंस और हिंदी दोनों में 92 नंबर है और साइंस में है 87 नंबर। क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में आप? फ्यूचर में अभी तो उतना सोच नहीं पाया हूँ, लेकिन फ्यूचर में इतना ही करना चाहता हूँ, जो भी करूँगा अपने माँ पिताजी का नाम रोशन करूँगा। किस स्कूल के छात्र हैं आप? मैं यहाँ के बगल का स्कूल है चक्का सिलौरी में, यहाँ है राजकीय जवाहर ज्योति उच्च विद्यालय चक्का सिलौरी, यहाँ से मैं मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम में उतरने हुआ हूँ। छात्र हमारा सुधांशु हमारे साथ थे, बता दें आपको 455 अंक लाया है, बधाई आपको। धन्यवाद सर, मैं इस संस्थान में वर्ग 7 से ही पढ़ना चालू किया था। शुरू में तो मुझे इस संस्थान में बहुत डर लगता था, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई बढ़िया नहीं होने पर मारे भी लगती थी, इसलिए मैं शुरू में बहुत डरा भी था, लेकिन बाद में पढ़ाई जितना अच्छा से की तो इतना डर नहीं लगने लगा, और इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे मैट्रिक में 455 नंबर आया है। संस्था बहुत ही अच्छे से बच्चों की तैयारी कराती है, चाहे वो जीवन की कुछ बातें हो या सिलेबस की कोई तथ्य हो, सभी में अच्छी बात बताते हैं। मैं दीपक कुमार, मैं यहाँ पिछले 2 वर्ष से यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मुझे यहाँ की पढ़ाई अच्छी बहुत लगी है, मुझे यहाँ पे 452 अंक प्राप्त हुए हैं, 452 अंक बहुत कम नहीं हुआ, बहुत लोग कहते हैं कि 452 अंक उतना लाना आसान नहीं होता है, मैं यहाँ पे लाया। मैं कुछ खास मेहनत तो करता ही था, जो जैसे सामान्य विद्यार्थी करते हैं उतना ही करता था। मेरा ये सफलता का श्रेय मेरे गुरुजनों माता पिता के साथ साथ मेरे मेहनत पर भी गया है। मैं आगे चल के BPSC का अधिकारी पास करके अधिकारी बनना चाहता हूँ। मैं रिक्सुन कुमार यहाँ 6 महीने से पढ़ रहा हूँ, और यहाँ की पढ़ाई भी अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। मैं यहाँ से बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ हूँ, और मैं आगे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। बता दें लड़कों के साथ लड़कियों ने भी अच्छा रिजल्ट लाया है, अंशिका भारती हमारे साथ है। अंशिका कैसा लग रहा है 429 अंक लाए हैं आप? अच्छा लग रहा है सर, लेकिन और भी हम आगे कर सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया उतना, फिर भी बहुत अंक है, बहुत लोग कहते हैं इतना लाना मुश्किल हो जाता है, फिर भी हमने किया है, हमारे गांव समाज में अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है, मेरे माता पिता को भी बहुत सम्मान मिल रहा है इन लोगों नंबर के कारण। और मैं बता दूं कि मैं पिछले 2 सालों से इस कोचिंग संस्थान में पढ़ रही हूँ, जिससे मैंने शुरुआत से ही देखा है कि यहाँ पे सभी शिक्षक अपने कर्तव्य को लेकर बहुत अथी होते हैं, इसके कारण सभी लोग अच्छे से पढ़ाते हैं और बच्चे भी चीज़ को अच्छे से समझते हैं, जिसके कारण बच्चे हर साल यहाँ से अच्छे रिजल्ट पाते हैं और अपना कर्तव्य निभाते हुए आगे की क्लास करते हैं। फिलहाल हम सोच रहे हैं बिजनेस करना, क्योंकि बिहार बहुत ही पीछे चल रहा है बिजनेस के व्यापार में, तो इसी को आगे बिहार के विकास के लिए हम बिजनेस करना चाहेंगे, हो सके तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश में इतना अच्छा अंक आया है। और मैं ग्राम प्रवेश सर और उनके सभी टीमों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, साथ ही मेरे स्कूल PG हाई स्कूल के शिक्षक अखिलेश सर को भी नमन करती हूँ, जिन्होंने हमें अच्छा संस्कार दिया, जिसके साथ हम अनुशासन के साथ अपनी पढ़ाई को किए हैं। इसमें मैं यहाँ पिछले 2 वर्षों से इस संस्थान में पढ़ रही हूँ, यहाँ की पढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, यहाँ के टीचर बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं और विद्यार्थियों को मोटिवेट भी करते हैं और बहुत अच्छे से बातचीत भी करते हैं हमारे साथ। इस बार मुझे मैट्रिक एग्जाम में 413 अंक प्राप्त हुए हैं। मैंने उत्कर्मित माध्यमिक विद्यालय भिटसारी से 10th बोर्ड की एग्ज़ाम दी हूं, और मैं यहां कोचिंग श्री राम प्रवेश सर के कोचिंग से पढ़ाई की हूं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। कुमारी है, और मेरे पिताजी का नाम मिश्र अरविंद पंडित है, और मेरी माता का नाम ममता देवी है, और हम यहाँ 2 साल से पढ़ रहे हैं, यहाँ की पढ़ाई बहुत ही अच्छी थी। हम खुश हैं कि हमें 401 नंबर आया है, हम इंटर की परीक्षा में इससे ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कोमल है, कोमल ने भी 405 अंक लाए हैं, बहुत ही मेहनती स्टूडेंट रही है। कोमल क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम कोमल कुमारी है, मेरे पिता का नाम लाल बाबू महतो है, मैं यहाँ 4 साल से पढ़ती हूँ, यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, यहाँ सभी टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं और अच्छे से पढ़ने के लिए बोलते हैं। क्लास 10th में मेरा नंबर 405 आया है, मैंने मेहनत किया और सर ने अच्छे से तैयारी कराए, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं अंजलि कुमारी हूँ, मेरे पिता का नाम राजेश कुमार महतो है, मैं इस संस्था से लगभग 4 वर्षों से पढ़ रही हूँ, मुझे मुझे अच्छे से पढ़ाई का अब सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मुझे इस मैट्रिक परीक्षा में 405 अंक आया है, मेरे सभी शिक्षकों ने मुझे अधिक अंक लाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन मेरी कुछ कमी रह गई कि मुझे इतना ही कम नंबर आया, फिर भी मैं इस इतने नंबर में खुश हूँ, और मैं आगे चल के
नीट की तैयारी करके डॉक्टर बनना चाहूँगी। मेरा नाम नैना है, मेरे पिताजी का नाम दुष्यंत प्रसाद है, मेरे पिताजी पेशे से एक बिजनेसमैन है और मैं मैट्रिक में 314 नंबर लाई हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा अंक अंग्रेजी में प्राप्त हुए हैं जो 82 है। उसके बाद सबसे ज़्यादा अंक मेरे को साइंस में प्राप्त हुए हैं जो कि 78। इस कोचिंग के बारे में क्या ही कहना सर, जितना यहाँ के बारे में लोगों से सुना उससे ज़्यादा यहाँ आके हमने देखा। यहाँ बहुत कम समय मिला फिर भी हमने बहुत अच्छी रिकवरी की, बहुत अच्छी पढ़ाई हुई हमारी, सारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, सभी ने हमें काफ़ी मोटिवेट किया पढ़ने के लिए, स्पेशली आप हैं गौरव सर ने हमें बहुत मोटिवेट किया पढ़ने के लिए कि पढ़ाई क्या है, शिक्षा क्या है, ये हमें गौरव सर ने बहुत अच्छे से समझाया। और रामपरवे सर का क्या कहना, वो तो हमारे कोचिंग के संचालक हैं और उनकी भी पढ़ाने की शैली बहुत अच्छी है। सारे मैं सर इंटर करने के बाद BDA का कोर्स करके HR बनना चाहती हूँ। मेरा नाम पूजा कुमारी है, मैं यहाँ लगभग 4 साल से पढ़ रही हूँ, यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी, मैं खुश हूँ और मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और मैं अगली पढ़ाई भी यहीं से करूँ। मेरा नाम शिवम भाटिया, मैं 4 साल से इस कोचिंग संस्थान से जुड़ी हुई और यह पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से होती है, यहाँ सभी लोग पढ़ाते हैं, सभी टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। खातून है, मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद अकबर है, मैं ननिहाल में आकर पढ़ी हूँ, मुझे इस मैट्रिक परीक्षा में सिर्फ 387 ही नंबर लाई हूँ, मुझे ये नंबर लेकर खुश नहीं हूँ, मुझे लगा कि 400+ नंबर चली आएगा, लेकिन मुझे और इंटर की तैयारी मुझे बहुत अच्छी तरीके से करूँगी जिससे मुझे इससे ज़्यादा अधिकतर नंबर आ जाए, मैं पढ़कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम कोमल कुमारी है, मैंने अपने 10th बोर्ड यहीं से तैयारी किया है, मैं यहाँ पिछले 1 साल से पढ़ रही हूँ और हम आगे भी अपनी पढ़ाई यहीं से जारी रखना चाहेंगे और सर मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहती हूँ। प्रोजेक्ट सिरपुर सहलोरी विद्यालय के प्राचार्य अखिलेश सर हमारे साथ थे, बता दें उसी विद्यालय में बच्चों ने पढ़ते हुए और इस संस्थान में तैयारी करते हुए बच्चे इतने अच्छे अंक से पास हुए हैं। सर सबसे पहले आपके विद्यालय की पूरी टीम को आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार विगत 4-5 सालों से मैं देख रहा हूँ कि इस क्षेत्र के बच्चे न सिर्फ पास हो रहे हैं कि अच्छे अंक से अपनी मेधा के दम पर पहचान बना रहे हैं और विद्यालय और अपने क्षेत्र का मान बढ़ा रहे हैं। जी, इसमें इस संस्थान का सरस्वती कोचिंग सेंटर का भी योगदान है और विद्यालय में लगातार 2010 से जब मैं आया हूँ तो एक रूटीनबद्ध कार्यक्रम करके बच्चों को प्रोत्साहित कर और अच्छे अंक न सिर्फ लाए बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करे इसकी भी भरपूर गारंटी देता हूँ। और सबसे खुशकिस्मत हूँ कि संस्थान में जो हमारे पाठक जी हैं उनका जो शैली है वह भी बच्चे को बहुत प्रभावित करता है और जीवन में सफल होने की उत्तरोत्तर जिज्ञासा जगता है। सर मैं लगातार देखता रहा हूँ कि शुरू से ही आप नवाचार के लिए जाने जाते रहे हैं, लगातार आप प्रयास करते हैं कि आपके बच्चे, आपके विद्यालय के बच्चे अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ें, तो यहाँ से जो हमें बच्चे देख पा रहे हैं या खासकर स्टूडेंट्स यूथ या जो भी हमें देख पा रहे हैं सफलता के लिए, चूँकि अब आप एक मॉडल हैं, एक कह सकते हैं कि आप उनके लिए प्रेरणा है, तो क्या सफलता के क्या मंत्र देना चाहेंगे आप? कड़ी मेहनत करके जो हमारे सिलेबस पर आधारित जो पुस्तक है उनको पढ़ें और ध्यान रखें कि हम हमेशा अपने आप को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़ें। जब हमारे मन में एक उत्कंठा हो जाएगी कि हम एक दूसरे से आगे चलेंगे तो पढ़ने की प्रवृत्ति, अच्छी सी तैयारी और लगन और मेहनत दोनों आपसे आप पधार जाएंगे और हम अच्छे कर जाएंगे। एक समर्पित प्राचार्य को आपने सुना अखिलेश सर और इन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत यानी सफलता का मूल मंत्र मेहनत है। थैंक्स सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का कार्यक्रम होता रहे और हमारे इस ग्रामीण इलाके के जितने भी बेटे और बेटियां हैं वह परचम लहराए तब हम लोगों के मन में शांति और ख्वाब संपन्न हो। हमारे साथ राम प्रवेश सर है, निदेशक सरस्वती कोचिंग सेंटर जहां क्लास 6 से लेकर के 12 तक की बेहतरीन पढ़ाई होती है, साथ ही इसके अलावे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपटीशन को भी अगर आप करना चाहते हैं उसकी तैयारी के लिए भी स्पेशली सर मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं। बता दे कि लगातार ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए इस कोचिंग का काफ़ी शानदार रहा है। सर 400 अंक लाना 500 में आसान नहीं होता, लेकिन इस बार 3 बच्चों ने ऐसा किया है, इससे पिछले वर्ष भी उससे पिछले वर्ष भी यहाँ का रिजल्ट काफ़ी शानदार रहा और यहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी मेधावी हैं और इसके इतर वो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके जीवन में सफल हो रहे हैं और अलग क्षेत्र में अपना मुकाम बना रहे हैं। सुदूर देहात क्षेत्र में एक कोचिंग को ला करके सर ने एक अच्छा काम किया है,
जितनी सराहना हो कम है। मैं संपूर्ण कृषि की ओर से इन्हें थैंक्स करता हूँ। सर बधाई आपको, और एक सुदूर देहात क्षेत्र में आपने एक शुरुआत की, एक कोचिंग को लाया, लगातार मैं देख रहा हूँ और लगातार शानदार रिजल्ट, हर वर्ष उत्तरोत्तर की ओर रिजल्ट बढ़ रहा है। ऐसा है गौरव जी, इस संस्था की शुरुआत मैंने 2007 से किया है और उत्तरोत्तर आए दिन हमारे जो कोचिंग संस्थान है उसके रिजल्ट बेहतर आए हैं। और इस बार भी लगभग 9 बच्चों ने 400 प्लस का आंकड़ा किया, जिसमें उच्चतम अंक 458 का है और इसके अलावा 300 से प्लस नंबर लाने वाले लगभग 40 बच्चे हैं। तो ये हम लोगों के समग्र प्रयास का परिणाम है और बच्चों को जो हम लोगों ने मोटिवेट किया था कि सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्राप्तांक कैसे अधिक हो, इस पर तो हम लोगों ने काम किया ही। और हमारे संस्थान की एक विशेषता ये भी है कि विषय ज्ञान के साथ साथ हम लोग उसको एक अच्छे इंसान बनाने की ओर प्रेरित करते हैं और हम लोग सभी मिलकर के रात दिन इसी प्रयास में लगे रहते हैं। और जैसे बच्चों का कोई लक्ष्य होता है तो हमारा भी अपना लक्ष्य है कि चाहे जिस भी विद्यालय से बच्चे हो जो हमारे संस्थान में आते हैं, हमारा लक्ष्य है कि एक समय आएगा कि मेरे संस्थान के बच्चे भी जिला में और राज्य स्तरीय जो टॉप 10 होते हैं उसमें आए, और उसी को लक्ष्य मान करके हम लोग यहाँ प्रयासरत हैं, आगे जारी भी रहेगी। और मैं इस संस्था से जुड़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उनके आगे उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। अभिभावकों को भी एक सलाह देना चाहता हूं कि आप किसी बच्चे को कहीं पढ़ने के लिए देते हैं तो उस संस्थान का ट्रैक रिकॉर्ड का अध्ययन कराइए, पता कीजिए कि विगत सालों में उन्होंने कैसा योगदान दिया है, कैसा उसका रिजल्ट रहा है, कैसी वहाँ की व्यवस्था है, क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को जांच करके ही अपने बच्चे को किसी अच्छे संस्थान से जोड़ें। ऐसा ना हो कि आप पढ़ने भेजें और वो दिग्भ्रमित होकर के किसी दूसरे दिशा की ओर निकल जाए। खास करके मैं केवी स्टूडियो और डॉक्टर रोशन कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यूँ तो हम लोग मीडिया से बहुत दूर रहते हैं, कर्म पर विश्वास रखते हैं, फिर भी उन्होंने प्रत्येक वर्ष हमारे कार्यक्रम में जो हमारे संस्थान में होते हैं उसमें आते शामिल होते हैं और हमें कोऑपरेट करने का प्रयास किए। मैं अपने संस्थान की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो नया सत्र हमारा सभी वर्गों के लिए है वो 1 अप्रैल से लगभग चालू हो चुकी है और जो इंटरमीडिएट का क्लास है वो 10 अप्रैल से यानी कल से स्टार्ट होने वाला है। जो बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें और इंटरमीडिएट का रिकॉर्ड भी हमारे संस्थान का प्रत्येक साल अच्छा रहा है और प्रयासरत हैं कि उस क्लास के बच्चे भी जिला में या टॉप 10 बिहार के टॉप 10 में आए। हम अच्छे शिक्षक व्यवस्था किए हुए हैं, आए बच्चे यहाँ आराम से पढ़ें और अपना भविष्य को ठीक करें। तो सुना आपने सरस्वती कोचिंग सेंटर की पूरी जानकारी। सुजपुरा भगवानपुर बेगूसराय का यह संस्था जहां पर क्लास 6 से लेकर के प्लस 2 तक की शिक्षा दी जा रही है ट्रेंड शिक्षकों के द्वारा, और इसका श्रेय जाता है राम प्रवेश सर जो कि एक कुशल प्रशासक हैं और एक सफल संचालक हैं। लगातार ये तस्वीर देख पा रहे हैं और ये तस्वीर इस चीज़ का प्रमाण है कि साल दर साल शानदार परिणाम। तो जिस विद्यालय से इन बच्चों ने सफलता लाया है उस विद्यालय की टीम प्रधान को भी शुभकामनाएं और इस संस्थान जहां से उन्होंने तैयारी की है उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं और थैंक्स। हम कहना चाहेंगे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो दोनों के समायोजन से स्कूल कोचिंग के समायोजन और सफल कह सकते हैं, मार्गदर्शन से बच्चे आगे कर सकते हैं। अच्छा, हमारी ओर से शुभकामनाएं। एक शिक्षक के रूप में मुझे गर्व है कि संस्था में पढ़ाते हुए इन बच्चों के बीच मैं हूँ। लगातार बने रहिए हमारे साथ, आपके बच्चे अच्छा कर सकते हैं, आप उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें आगे बढ़ाएं। सुजीत के साथ मैं गौरव कुमार पाठक के बिहार।